दोस्तों, आईपीएल साल 2022 का सीजन शुरू होने में अब काफ़ी कम समय रह गया है और आईपीएल साल 2022 के सीज़न को लेकर लगातार काफ़ी सारी अपडेट्स दिन भर में हम आपको देते ही आ रहे हैं। खैर, टॉप अपडेट्स हम आपको यहाँ भी देते हैं और हम आपको देते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ गिव अवे भी चल रहा है। खैर दोस्तों, रिसेंटली बात करें तो लखनऊ और अहमदाबाद की तरफ से भी काफ़ी हिंट्स आएंगी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में और टीम केकेआर की काफ़ी सारी अपडेट्स आज की वीडियो में मैं आप सभी फैंस के लिए बाहर लेकर आया हूं। तो दिन भर में क्या बड़ी अपडेट निकल के आई है, खासकर दोस्तों रिसेंटली जो ब्रेंडन मैकुलम हेड कोच है केकेआर के, वो लाइव कॉन्फ्रेंस पे आए थे, लाइव यहां पर बातचीत की थी, लाइव चैट के अंदर, लाइव डिस्कशन के अंदर क्या क्या बात हुई थी, सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। काफी अपडेट्स हैं तो ये वीडियो बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अंत तक वीडियो को आप सभी लोग जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मैं आपको इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। इनका नाम है रेडी अन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हो। इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं और 100 ब्रांचेस से भी ज्यादा है इंडिया के अंदर। 24/7 का विड्रॉल आपको यहाँ मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ आप काफी सारी डिटेल्स जान सकते हो। इसके अलावा पेमेंट प्रूफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अभी जाके ज्वाइन कर लो रेडी अन्ना को। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर हम लगातार आपको काफी सारी अपडेट्स देते ही आ रहे हैं, बट ये वीडियोस काफी ज्यादा शॉर्ट होते हैं और काफी डिटेल्स के अंदर हम जरूरी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि क्या आप एक लॉन्ग वीडियोस देखना चाहोगे पूरी डिटेल्स के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आगे आने वाले वीडियोस में। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहले अपडेट आ रही है ब्रेंडन मैकुलम को लेकर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा रिसेंटली ब्रेंडन मैकुलम भी यहां पर लाइव सजेशन के अंदर आए थे, लाइव डिस्कशन के अंदर आए थे। उससे पहले दोस्तों हमें अभिषेक नायर और वेंकी मैसूर देखने को मिले थे, बट उसके अंदर भी काफी सारी चर्चा हुई थी, काफी सारी बातचीत हुई थी। और रिसेंटली जो हमें ब्रेंडन मैकुलम देखने को मिले हैं लाइव शो के अंदर, लाइव चैट के अंदर, उनसे भी काफ़ी सारी बातचीत हो गई, काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें बताई है। बट दोस्तों, एक चीज़ उन्होंने भी यहाँ पर क्लियर की है कि वो भी ज़रूर चाहते हैं उनके जितने भी फैंस हैं, केकेआर के जितने भी फैंस हैं, उनकी टीम के, उनके खुद के, सबके जो भी हैं यहाँ पर सपोर्टर्स, उनसे वो ज़रूर ये चाहते हैं कि वो सभी मॉक ऑक्शन के अंदर हिस्सा ज़रूर लें। और यहाँ पर दोस्तों, केकेआर के हेड कोच ने ये भी कहा है कि वो उनके सजेशंस को तहे दिल से यहाँ वेलकम करने वाले हैं और वो ज़रूर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉक ऑक्शन के अंदर आएँ और बहुत सारे सजेशन दें, जिससे कि केकेआर अपने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल देख सके और कुछ अच्छे सजेशन होते हैं तो केकेआर उसको अपना भी सके। तो दोस्तों, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ मॉक ऑक्शन के अंदर अगर आपको तीन प्लेयर्स पिक करने होते तो वो तीन प्लेयर कौन कौन से होते और किस प्राइस पर होते। अगली अपडेट निकल के आ रही है टीम वैल्यू को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि केकेआर की टीम एक बहुत बड़ी टीम है, यहाँ पर दो ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। बट दोस्तों, आप सभी को ये चीज़ भी पता होगी कि रिसेंटली जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, उन्होंने अपनी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा कर लिया है, यानी 7600 करोड़ उनकी मार्केट कैप हो गई है। बट दोस्तों, केकेआर फर्स्ट तो नहीं आ सका, बट सेकंड जरूर आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों अभी नंबर तीन के ऊपर है मार्केट कैप के अंदर, मुंबई उनसे आगे है। बट दोस्तों, यहाँ अगर केकेआर कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैब करता है और अच्छे प्लेयर्स खरीदता है जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है मेगा ऑक्शन के तुरंत बाद यहाँ पर जो मार्केट कैप है केकेआर की, वो सेकंड नंबर पर आ जाए। लास्ट अपडेट निकल के आ रही है रसल बैकअप को लेकर। तो यहाँ जो दोस्तों ब्रेंडन मैकुलम है, उन्होंने काफ़ी सारी अपडेट्स दी थी उस चैट्स के अंदर। बट दोस्तों, एक जो मेजर अपडेट थी वो ये थी कि यहाँ पर हम बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, बहुत सारे हमारे टारगेट है। बट जो हमारा एक टारगेट के अंदर, जैसे प्राइम टारगेट कहते हैं, उसके अंदर हमारा एक टारगेट ये भी होगा कि हम रसल का बैकअप ले सकें। दोस्तों, बैन कटिंग रसल के बैकअप थे, पर उनको खिलाया ही नहीं गया, बाद में रसल को भी बाहर रखा, बैन कटिंग को भी बाहर रखा, तो पता नहीं किस तरह से रसल के बैकअप को पूरा किया जाएगा। तो देखते हैं कौन होता है रसल का बैकअप आगे आने वाले टाइम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।